तेरे दुश्मनी मुझसे है, उसको हाथ मत लगाना बजरंग। हमरे कहने पर क्या तूने हमको छोड़ दिया था? वो तोरे कहने पर तेरी बीवी को छोड़ देंगे? याद है ना उस दिन क्या कहा था हमने? ये वो दिन पान खाएंगे जिस दिन तुझे अपनी गली में लाएंगे। मंत्री, इस ससुरे को अपने नाम के आगे एसीपी का ठप्पा लगाने का अधिकार कहां मिल गया? सारे शहर पे अपना अधिकार जमा लिया। बहुत तंग किया साले ने, इतना तंग किया हमका के बस। हाँ, अरे कोई शरम हाया वाला होता ना तो वही फड़फड़ा के मर जाता है तेरी। नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है जीजा जी कि कोई भी इतना तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, कोई भी होता तो मर जाता। लेकिन इस एसीपी के बारे में क्या सोचा है बजरंग? कुछ करना भी है या इसे ऐसे ही बांधे रखना? अंकल, कसाई बकरे को क्यों बांधता है? ताकि उसका फुल एंड फाइनल हो सके। यही तो गलती करते हो तुम लोग। दुश्मन को जब तक मजे ले लेकर न मारो तब तक बदला लेने का मजा नहीं आता है। सारी जिंदगी एक पति अपनी पत्नी को सुहागन के रूप में देखता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक पति अपनी पत्नी को विधवा के रूप में देखे। ये एसीपी देखेगा, आज तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पत्नी को विधवा बनाएंगे। अरे वाह, क्या खोपड़ा है बजरंग पांडे, क्या खोपड़ा है। अरे कहां से पाया इतना बड़ा दिमाग रे? आप जानते नहीं है, अरे सांडे का तेल का मालिश करता हूँ हम जीजा जी की खोपड़ी पे। ए तेजू, तेरे दुश्मनी मुझसे है, उसको हाथ मत लगाना बजरंग। हमरे कहने पर क्या तूने हमको छोड़ दिया था? वो तोरे कहने पर तेरी बीवी को छोड़ देंगे? जिस दिन तेरे इशारे पर मैंने पहला खून किया था तो तूने मुझे ये पिस्तौल तोहफे में दी थी बजरंग। आज इस पिस्तौल से आखिरी दम तेरा ही लूंगा। राकेश और उसकी पत्नी को छोड़ देने बोला। Thank you.
जीजा है, अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे खोपड़े में एक आइडिया है। अरे कौन सा जीजा और काहे का बुराई है? आपका जो भी आइडिया बताइए, अगर जिंदगी रही तो 1000 जीजा मिल जाएंगे। बोलिए बोलिए। हम पुलिस को फोन करेंगे, तुम्हारे जीजा को गिरफ्तार करवा देंगे। अच्छा, लेकिन तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा लल्लन, सरकारी गवाह बनवा दूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। क्या खोपड़ी आपकी मंत्री? एक बात बताइए, आप भी संडे का तेल से मालिश करवाते हैं क्या? ऐसा ही समझो। हेलो पुलिस स्टेशन, हम ललन झा बोल रहा हूँ। अरे बजरंग पांडे का साला मुझे, हाँ देखिए, हम अपने जीजा की काली करतूतों के बारे में बताना चाहता हूँ। जल्दी कर। हमारा जीजा एक नंबर का खूनी है, भेड़िया है, दरिंदा है, बहुत बड़ा स्मगलर है। हाँ, हमारी बात भेली अपने करते हैं तो मंत्री जी से पूछे या झाड़ के साथ टिके हैं। बात कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर, मैं मिनिस्टर बख्शी बोल रहा हूं, ऊंची टेकरी से। बजरंग पांडे को फौरन गिरफ्तार कर लो, समझे? इसने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। जल्दी जल्दी बोलिए ना। अरे बोलिए ना। अरे बाहर में जाए जीजा जी, अब बोलिए ना। सामने जीजा जी खड़े हैं। जीजा जी आप ये देखिए, आपके खिलाफ पुलिस को फोन कर रहे थे। आप इनको अपना दोस्त समझते हैं? अरे बहुत बड़ा अफसर का साथ है, गोली मार दीजिए इसको। इसने पुलिस को फोन किया था? अरे हम फोन किए कि तुम फोन किए? कितना झूठ बोलते हैं। अरे जीजा, हमारा जीजा तो हमारे बाप के बराबर है। बिल्कुल सही कहा तूने गद्दार, कही का हम तुम्हारे बाप ही हैं। अच्छा क्या, यही गद्दार। और तू क्या समझता है रे, टोपी पहनकर तू हमारा बाप बन गया? Thank you.
ये देवी देविका को पहना दो राकेश, सुहागन का गला सुना सुना नहीं रहना चाहिए, ऐसा पब्लिक बोलती है।